देखे थे सिविक्स का कौन सा चैप्टर है, पावर शेयरिंग, कौन सा चैप्टर है, पावर शेयरिंग। इन पावर शेयरिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, याद रखना, इसे क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में। और क्या डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर पावर शेयरिंग नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, याद रखना अच्छी तरह से, अगर पावर शेयरिंग नहीं तो डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। इसे हम सोल मान सकते हैं डेमोक्रेसी का, अगर पावर शेयरिंग है तो ही सब कुछ है, अगर पावर शेयरिंग नहीं तो डेमोक्रेसी किसी काम की नहीं है। अब पावर शेयरिंग कैसे होती है, जो हमारा पावर होगा तो किसमें डिवाइड होगा, सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और लोकल लेवल पे, इस तरह पावर का सेपरेशन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारे स्टोरी में कुछ, तुम्हारी बुक में दो स्टोरियां दी गई हैं, स्टोरियां किसकी, एक बेल्जियम की स्टोरी दी गई है और एक किसकी दी गई, श्रीलंका की स्टोरी दी गई है। देखा जाए तो क्या हरियाणा से भी छोटा सा स्टेट होगा ये, 2 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन होगी इसकी ज्यादा से ज्यादा, लेकिन फिर भी क्या है यहाँ का जो बेल्जियम का इतनी कंपोजिशन है। अब देखेंगे डेमोक्रेसी को कंपेयर किया गया है, किसको कंपेयर किया गया, डेमोक्रेसी को, एक बेल्जियम की डेमोक्रेसी को देखेंगे, एक श्रीलंका की डेमोक्रेसी को देखेंगे। तो पहले किसको देखेंगे हम लोग, बेल्जियम देखेंगे, और बेल्जियम की कैपिटल क्या है, ब्रसेल्स, क्या है ब्रसेल्स, इसकी क्या है कैपिटल है, और जिसमें किसका हेडक्वार्टर है, ईयू का हेडक्वार्टर, ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रसेल्स में है, लोकेटेड है, याद रखना अच्छी तरह से। देखो पावर शेयरिंग कहता है, कैन बी सिंप्लीफाइड डिफाइन एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, तो क्या है पावर सेपरेशन डिवाइड करने, क्या कहता है पावर शेयरिंग कहलाता है, पावर को डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है पावर शेयरिंग कहलाता है। द पावर फॉर्म इज अ सिंगल सोर्स ऑफ द डिफरेंस ऑर्गन, एक सोर्स से कई सोर्स में बदल देना पावर को, क्या है वो पावर शेयरिंग कहलाता है। देखो तो केस ऑफ द बेल्जियम, तुम्हारे में मैंने बताया क्या किसका केस दिया, केस स्टडी दी गई बेल्जियम की दी गई है। तो यहाँ पर देखो कि रीजन दिया गया इस तरह, ये कौन सा फ्लेमिश रीजन है जो नॉर्थ में पड़ता है, बेल्जियम का जो मैप है इस तरह, ये तो नॉर्थ में जो कौन पड़ता है, ये फ्लेमिश रीजन दिया गया, ये कौन सा वैल्यूनियन रीजन है दिया गया है, और यहाँ पर क्या है जो सेंटर एक ब्रसेल्स है जिसकी कैपिटल क्या है बेल्जियम की, यहाँ स्थित है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने कैसे, देखो इतनी कंपोजिशन यहाँ पर कैसे क्या किया गया, यहाँ पर इतनी कंपोजिशन देखो, जो ये कौन सा है फ्लेमिश रीजन है, देखो फ्लेमिश रीजन में जो इथनिक कंपोजिशन है इसका वो कैसा है, 59% डच स्पीकिंग, कौन से यहाँ पर डच स्पीकिंग लोग रह रहे हैं, कौन से डच बोलने वाले लोग, कितने हैं 59% डच स्पीकिंग पीपल्स कम्युनिटी कहता है फ्लेमिश रीजन, कहाँ रहती है, फ्लेमिश रीजन में रहती है। अब कितने परसेंट है, 59% पीपल्स है, याद रखना परसेंट लोग कहाँ रहते हैं, वो डच स्पीकिंग है और कहाँ रहे हैं, फ्लेमिश रीजन में रह रहे हैं। फिर 40% जो फ्रेंच स्पीकिंग है, ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, और ये कौन से बोल रहे थे, डच बोल रहे थे, डच कहाँ रह रहे हैं, नॉर्थ में रह रहे हैं, और कौन से रीजन कौन सा है, ये फ्लेमिश रीजन है, और 40% कहाँ रह रहे हैं, ये फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है, और कहाँ रह रहे हैं, ये बेल्जियन रीजन में रह रहे हैं, ये कौन सा, ये बेल्जियन साउथ का एरिया क्या है इसका, बेल्जियन रीजन है। यहाँ पर कौन रह रहे हैं, ये कौन से स्पीकिंग पीपल रह रहे हैं, यहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग पीपल्स रह रहे हैं, और कितने परसेंट है, 40%, 40% कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, वैल्यूनियन रीजन में रह रहे हैं, याद रखने से अच्छी तरह से। 59% कहाँ, जो डच बोल रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, ये फ्लेमिश रीजन में, ये कहाँ रहे हैं, वैल्यूनियन रीजन में रह रहे हैं, और फ्रेंच बोल रहे हैं कितने, 40%। जो 1% है जर्मन स्पीकिंग है, ये कहाँ रह रहे हैं, यहाँ, ये वैल्यूनियन रीजन में क्या है, 1% कौन बोल रहे हैं, जर्मन स्पीकिंग पीपल है। तो कितना हो गया, 59 + 40 + 1, तो कितना हो गया, 100%। इसलिए ये इतनी कंपोजिशन यहाँ का किया गया है, क्या किया गया, इथनिक कंपोजिशन इस तरह है यहाँ का। फिर कैटल क्या है ब्रसेल्स की, कहते 80%। अब यहाँ पर देखो अच्छी तरह से, जो ब्रसेल्स की कंडीशन है, जो नॉर्थ का रीजन हमने बताया था, कैटल कहाँ स्थित थी इनकी, नॉर्थ में है, और इसकी कैटल क्या है, बेल्जियम की ब्रसेल्स है। तो यहाँ पर देखो इथनिक कंपोजिशन कैसा, सिर्फ हम कैटल की बात कर रहे हैं, जिस तरह इंडिया की कैटल क्या है, दिल्ली, तो उसी तरह इसकी बात कर रहे हैं हम, तो दिल्ली में अगर निकाल दिया है अलग से, तो यहाँ पर कैसे किया गया है, ये तो हमने पढ़ लिया पूरे भारत के सब, मान लो इस तरह, तो हमने पूरे बेल्जियम का पढ़ लिया, नॉर्थ में कितने बोल रहे हैं, साउथ में कितने बोल रहे हैं। अब हम स्पेशल कैपिटल की बात करेंगे, जो कैपिटल क्या है, ब्रसेल्स की। तो यहाँ पर क्या है, जो ब्रसेल्स की कैपिटल है, देखो 80% फ्रेंच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 80% फ्रेंच बोल रहे हैं, नॉर्थ में ही देखो, और यहाँ पर क्या ज्यादा लोग कौन से रह रहे थे, नॉर्थ में, डच। लेकिन जो कैपिटल सिचुएटेड है नॉर्थ में, ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 80% फ्रेंच बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। यहाँ पे देखो उल्टा हो गया, यहाँ पे अभी तक क्या बोल रहे थे, पूरे रीजन की बात करेंगे तो डच बोल रहे हैं यहाँ पर 59%, लेकिन ब्रसेल्स में आ गया जैसे उल्टा हो गया, ब्रसेल्स में क्या कर रहे हैं ये लोग, 80% क्या बोल रहे हैं, फ्रेंच बोल रहे हैं। अभी डच देखो बोलने वाले यहाँ ज्यादा थे मेजोरिटी में, लेकिन यहाँ पर क्या है, कैपिटल में, कैपिटल में कौन बोलने वाले ज्यादा लैंग्वेज, फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा हो गए, कौन बोलने वाले हो गए ज्यादा, फ्रेंच ज्यादा बोल रहे हैं, और 20% सिर्फ क्या बोल रहे हैं, डच बोल रहे हैं। देखो कैपिटल की ऐसी कंडीशन हो गई, कैपिटल में सिर्फ इस तरह चल रहा है, यानी 80% कौन बोल रहा है, फ्रेंच बोल रहे हैं, और 20% क्या है, डच का चल रहा है। यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक, इस तरह इतनी कंपोजिशन है।
फिर क्या था, देखो रीजन फॉर द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फ्रेंच एंड क्या था डच स्पीकिंग, और इसमें क्या था रीजन क्या था कॉन्फ्लिक्ट के, यहां पर भी क्या था जिस तरह इंडिया में भी के हमने देखा था नॉर्थ साउथ में कई सारे डिमांड उठी थी, सेम ऐसे कंडीशन यहां पर भी ऐसा होगा, यहां के लोग भी पावर को क्या करेंगे डिमांड करते हैं, लेकिन यहां की गवर्नमेंट बड़े आसानी से पावर को क्या करती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के तहत यहां की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है यहां की, और ये डेमोक्रेसी क्या हो जाती है सबसे फिक्स डेमोक्रेसी होती है यहां की, फिर बंद कर निकलती है, इसे हमें पढ़ना चाहिए। तो रीजन देखेंगे कौन कौन से हैं, बिटवीन फ्रेंच एंड डच, यहां पर जो फ्रेंच और डच कौन से डिमांड कर रहे थे इसको देखेंगे। बेल्जियम गॉट फ्रीडम कहते कब हुआ था 1980s में, क्या हो गया 30 में, ये क्या हो गया फ्रीडम इसकी मिल जाती है, एंड कहता सिंस देन कहता फ्रेंच स्पीकिंग पीपल, यहां पर क्या होता है सबसे ज्यादा कह सकते हैं जो फायदा उठाया इसका किसने, फ्रेंच ने उठाया, किसने उठाया फ्रेंच ने, तो कहता फ्रेंच स्पीकिंग पीपल कहते सिंस तब से ही ज्यादा डेवलप थे, कम्युनिटी हेड कहते बीन कहते पॉलिटिकली एंड कहते सोशली मोर डोमिनेंट इन कंट्री, किसको डोमिनेंट किसका चल रहा था यहाँ पे फ्रेंच का चल रहा था, किसका चल रहा है फ्रेंच का, ब्रुसेल्स में कौन सी कैपिटल ज्यादा बोली जा रही थी फ्रेंच बोली जा रहे थे, 80% लोग बोल रहे थे वहां पे, तो कह सकते हैं कि मेजोरिटी में कौन है फ्रेंच यहाँ पर चल रहे थे, तो किसका चल रहा है हर एक चीज का बोल वाला किसका है यहाँ पे फ्रेंच का चल रहा है मेजोरिटी में, अगर ये तो यही लोग अपने अकॉर्डिंग चला रहे थे सब कुछ, डच को बाद में होश आता है ये बाद में इतने डेवलप होते, देवर कहता है मोर क्वालिफाइड एजुकेटेड एंड कहते रिलेटिवली कहते हैं रिच एंड सोशली कहते हैं एंड पॉलिटिकली पावरफुल, और ये क्या थे क्वालिफाइड भी थे यानी कि पढ़े लिखे थे, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो क्या था जो जल्दी पढ़ लिख गया तो मतलब क्या है वो जल्दी क्वालिफाइड हो गया, क्वालिफाइड हो गया एजुकेटेड हो गया, जो क्वालिफाइड हो गया एजुकेटेड हो गया तो पैसा किसके पास आएगा, इन्हीं के पास में पैसा भी आएगा, इन्होंने काम धंधा चालू कर दिया कमाना चालू कर दिया किसी भी तरह से, तो ये क्या हो गया रिच हो गए, तो इन्होंने क्या कर दिया गवर्नमेंट में भी अच्छा अपना पूरा जोर आजमाया और कहता पावरफुल भी हो गया ये ताकतवर भी हो गए हर तरह से, फिर कहता डच स्पीकिंग कम्युनिटी गॉट कहता है बेनिफिट ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कहता है एजुकेटेड मच लेटर, और जो डच स्पीकिंग पीपल्स होते हैं कम्युनिटी थी यहाँ पे इनको जो बेनिफिट दिया जाता है वो क्या दिया गया बहुत बाद में दिया गया, क्या किया गया बहुत बाद में दिया गया डच स्पीकिंग जो कम्युनिटी थी यहाँ पे, और बेनिफिट किसके दिया गया था इकोनॉमिक डेवलपमेंट में और एजुकेशन में, यानी कि रिजर्वेशन की बात कर रहा है किसमें दिया गया होगा इनको बाद में दिया गया, पहले सबसे ज्यादा फायदा किसको मिल गया इनको मिल गया, अब बाद में दिया गया इनको समझ बाद में बहुत बाद में इनको दिया गया था, फिर कहते हैं गैप ऑफ द कहता है प्रॉस्पेरिटी एंड कहता है डेवलपमेंट क्रिएटेड कहता है टेंशन बिटवीन कहता है टू कम्युनिटीज ड्यूरिंग द 1950s के समय, अब देखो तो टेंशन इमर्ज होने लगी थी, वो टाइम कौन सा था 50 और 60 के समय का जो टाइम चल रहा था 1950 और 1960 के बीच का जो टाइम चल रहा था इस समय, ये क्या था एक टेंशन लेकर के आ रहा था किनके बीच में फ्रेंच और डच के बीच में, कि यहां पर टेंशन बढ़ती चली जा रही थी, टेंशन क्या बढ़ती जा रही है जो गैप हो गया था, जो गैप कैसा था रिच एंड पुअर का, ये बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया था, तो इसको कम करने के लिए यहां पर लोगों ने आवाज उठाना चालू कर दिया, यहां के लोगों ने आवाज उठाया और प्रोटेस्ट का टाइम चालू हो जाता है, दो कम्युनिटी के बीच में क्या होती लड़ाई जैसे माहौल बनने लग जाता है, और किस टाइम कब का होता है 50 से लेकर के 60s तक का समय जो टाइम होता है, यहां पर क्या था टेंशन ही टेंशन रहती है यहां पे, तो यहां की गवर्नमेंट अच्छे स्टेप उठाएगी किसको कैसे सॉल्व किया जाए ये देखेंगे यहां पे, तो टेंशन कहता है वाज मोर विजिबल कहता है मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स, क्योंकि क्या था यहां पर जस्ट अपोजिट हो जाता था, एक जगह अगर मेजोरिटी में क्या है कोई डच स्पीकिंग है तो दूसरी जगह कौन हो जाते थे फ्रेंच स्पीकिंग थे, लेकिन ब्रसेल्स में क्या था ये और कैपिटल में ज्यादा प्रभाव पड़ता है इन सबका, तो सेम कंडीशन यहां पर भी होती है, ये जो एक्यूट जो तीव्र प्रॉब्लम चल रही तो कहां पर था ब्रसेल्स में ज्यादा देखने को मिल रहा था, याद रखना अच्छी तरह कंट्री वाइज कहते हैं मेजोरिटी डच स्पीकिंग कम्युनिटी कहता है इन माइनॉरिटी, मेजोरिटी में कौन है फ्रेंच स्पीकिंग है, माइनॉरिटी में कौन है डच स्पीकिंग पीपल है, तो बात किसकी चलेगी मेजोरिटी वाली, तो यहां की गवर्नमेंट इसको खत्म करने की बहुत अच्छी कोशिश करती है, वो बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन उसने लेकर गया है, डिसीजन क्या किया देखेंगे क्या स्टेप लिया, यहां पर कहते हैं पॉलिसी ऑफ द कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ द बेल्जियम, यानी कैसे इसको बेल्जियम को सही किया गया कौन से एकोमोडेशन किए गए फिर क्या किया गया देखो यहाँ पे द बेल्जियम कॉन्स्टिट्यूशन कहता है अमेंडेड 4 times बिटवीन 1970-93 के समय, कब से लेकर के 70 से लेकर के 93 तक का समय जो होता है वो बेल्जियम को क्या किया गया एकोमोडेट किया गया, और कितने बार अमेंडमेंट हुआ 4 times अमेंडमेंट होता है, यानी कि संविधान ने क्या किया यहाँ की गवर्नमेंट ने संशोधन कर दिए कि कभी भी ये प्रॉब्लम ना ज्यादा बढ़ने पाए, क्या ये ज्यादा प्रॉब्लम ना बढ़ने पाए, और किसको ध्यान में रखा डच स्पीकिंग पीपल्स को ध्यान में रखा, और कितनी बार अमेंडमेंट किए उन्होंने कब कितनी बार अमेंडमेंट कर दिए 70 से लेकर 93 तक 4 times अमेंडमेंट कर दिए, कहां की गवर्नमेंट ने बेल्जियम की गवर्नमेंट ने देखो अमेंडमेंट कर दिए, अभी श्रीलंका का केस पढ़ेंगे वापस सिंगाले स्पीकिंग कैसे क्या करते हैं अपनी मनमानी चलाते हैं वहां गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती, लेकिन यहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कि
पावर शेयरिंग कैसे हमें करना है, बैलेंस कैसे करना है। तो यहाँ गवर्नमेंट क्या कर देती है, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लेकर के आती है, जो जो डिमांड करते बात मानी जाती है। और 70 से लेकर 93 तक का टाइम क्या होता है, इसमें क्या होता है, डिफरेंसेस जो अराइज होते हैं, यहाँ की गवर्नमेंट क्या करती है, इसको सॉल्व करती है और क्या करती है, सारे प्रॉब्लम्स को सही कर देती है। और कितनी बार अमेंडमेंट लेकर के आती है, 4 टाइम अमेंडमेंट होते हैं, याद रखना। फिर देखिए बेल्जियम मॉडल कहते हैं, एक्मोडेट किया गया था यहाँ पे, क्या जो बेल्जियम का मॉडल होगा। फिर क्या था, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर दिए गए थे, स्टेट गवर्नमेंट की भी क्या करना है यहाँ पर पावर देना, इन सबकी बात आती है। और क्या होता है कम्युनिटी गवर्नमेंट की, ये देखेंगे इन डिटेल बाद में।